हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सोफोकल्स के फेमस ग्रीक ड्रामा ओडिपस रेक्स की समरी को अच्छी तरह से समझेंगे। इस ड्रामा के कई नाम हैं, जैसे ओडिपस टायरनस और ओडिपस द किंग। इस ड्रामा को पहली बार 429 BC में परफॉर्म किया गया था। ये ड्रामा एक मर्डर मिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्रिलर है, और इस माइथोलॉजिकल स्टोरी में सोफोकल्स हमें ऐसे राजा के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी तरह से एक असैसिन यानी मर्डरर को ढूंढकर पनिश करना चाहता है, लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि मर्डरर वो खुद ही है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि थीब्स शहर, जो कि ग्रीस में है, वहाँ के सिटीजन्स बहुत परेशान हैं। वहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेग हो गया है, प्लेग फैल गया है, बीमारियाँ फैल गई हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो ओडिपस के पास जाते हैं, अपने राजा के पास, और कहते हैं कि प्लीज तुम कुछ करो और हमारे शहर को प्लेग से बचाओ। तो ओडिपस जो है वो कहता है कि मैंने पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपने साले क्रियोन को भेजा है ओरेकल के पास ये जानने के लिए कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो ओरेकल बेसिकली ग्रीस में ऐसे प्रीस्ट को कहते थे, ऐसे लोगों को कहते थे जो भगवानों द्वारा दिए गए संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे या भविष्यवाणियां करते थे। ऐसे लोगों को ओरैकल कहते थे, ऐसी भविष्यवाणी को भी ओरैकल ही कहते थे। सो जब क्रियोन ओरैकल के पास से आता है तो वो बताता है कि कैसे ओरैकल ने यानी भविष्यवाणी करने वाले उस साधु ने, उस आदमी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी तरीके से लाइस के मर्डरर को ढूंढो। तो लाइस वो राजा थे जो थीब्स में ओडिपस के पहले राज किया करते थे, लेकिन लाइस को किसी ने मार दिया था, किसी ने उनका मर्डर कर दिया था, और इसीलिए जो ओरैकल है उसने क्रियोन को बताया था कि जब तक लाइस को मारने वाला नहीं मिलेगा, उसके मर्डरर को ढूंढकर पनिश नहीं किया जाएगा, तब तक शहर पर ऐसी ही बीमारियां आती रहेंगी और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। द डिस्कवरी एंड पनिशमेंट ऑफ द मर्डरर विल एंड द प्लेग। तो जैसे ही वो मर्डरर मिलेगा, उसे जब पनिश किया जाएगा, तभी इस प्लेग का अंत होगा। एट वंस ओडिपस सेट्स आउट टू सॉल्व द मर्डर। और तुरंत ही ओडिपस उस मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है और उस मर्डरर को ढूंढने लग जाता है कि किसने लाइस को मारा था। समंड बाय द किंग द ब्लाइंड प्रॉफिट टेरेसियस एट फर्स्ट रिफ्यूजेस टू स्पीक। उसके बाद फिर जो ओडिपस है राजा, वो टायरेसियस एक प्रॉफिट को बुलाता है, एक साधु होता है, एक संत होता है टायरेसियस, जो कि अंधा होता है, उसको ओडिपस बुलाता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुम तो एक संत हो, प्रॉफेट हो, तुम्हें तो सब पता होता है, तो बताओ कि लाइस को किसने मारा। तो पहले तो टायरेसियस कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर वो फाइनली जब बोलता है तब वो ओडिपस पे ही आरोप लगाता है कि तुमने ही लाइस को मारा है। तो ओडिपस कहता है कि ये सब बकवास है, ये झूठ है। वो मॉक करता है और प्रॉफिट को रिजेक्ट करता है, यानी कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो टायरेसियस को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने के पहले जो टायरेसियस है वो ओडिपस को एक हिंट देता है। वो कहता है कि एक इंसेस्टियस मैरिज होगी। इंसेस्टियस मैरिज एक ऐसी शादी होती है जो घर के ही फैमिली मेंबर्स के बीच हो जाती है, यानी कि जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है उनके बीच जब कोई नाजायज संबंध बन जाए तो ऐसी शादी को इंसेस्टियस मैरिज कहते हैं। इसके अलावा टायरेसियस ओडिपस से ये भी कहता है कि तुम्हारा जो भविष्य होगा उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि तुम ब्लाइंड यानी अंधे होने वाले हो, इनफेमस होने वाले हो, और तुम्हें बस एक जगह से दूसरी जगह घूमना होगा। तो इन बातों पे ध्यान न देते हुए ओडिपस अपनी वाइफ से, अपनी जो रानी है उससे एडवाइस लेने की कोशिश करता है। उसका नाम होता है जोकास्टा, और जो जोकास्टा है वो कहती है कि तुम इस तरह की भविष्यवाणियों पे ध्यान मत दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि एक बार एक साधु था, एक प्रॉफिट था, जिसने कहा था कि जो लाइस उसका हस्बैंड है, ये वो डाई एट द हैंड्स ऑफ देयर सन।
तो जो लायस उसका जो हस्बैंड है वो अपने ही बेटे के हाथों द्वारा मारा जाएगा, ऐसा एक साधु ने कहा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या? ऐसा जो रानी है वो ओडिपस से पूछती है, अकॉर्डिंग टू जोकास्टा द प्रोफेसी डिड नॉट कम ट्रू। तो जोकास्टा कहती है कि ये भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो बच्चा था मेरा और लायस का, जो बेबी था, उसे तो हम लोगों ने अबैंडन कर दिया था, उसे हमने छोड़ दिया था और वो कहीं जाकर वो मर गया था। और जो लायस था उसे तो कुछ चोरों ने, कुछ रॉबर्स ने एक चौराहे पर, एक क्रॉस रोड पर मार दिया था। तो ये जो पूरी भविष्यवाणी थी वो झूठी थी। तो जैसे ही जोकास्टा की ये बात सुनता है ओडिपस, वो परेशान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि थीब्स आने के जस्ट पहले उसने एक आदमी को मारा था जो लायस की तरह ही लगता था, और जिसे उसने मारा था वो चौराहे पे ही उसने मारा था, क्रॉस रोड पे मारा था। टू लर्न द ट्रूथ ओडिपस सेंड्स फॉर द ओनली लिविंग विटनेस टू द मर्डर, अ शेपर्ड। तो सच्चाई के बारे में जानने के लिए ओडिपस एक शेपर्ड को, एक भेड़ बकरी चराने वाले को बुलाता है, क्योंकि वो भी उस समय मौजूद था जब ओडिपस ने उस आदमी को मारा था। एनदर वरी हॉन्ट्स ओडिपस, एक और परेशानी की वजह से ओडिपस बहुत सोच में पड़ गया था। एज अ यंग मैन ही लर्न फ्रॉम एन ओरेकल दैट ही वॉज फेटेड टू किल हिज फादर। तो उसकी परेशानी का कारण ये था कि जब वो एक यंग इंसान था, जवान इंसान था, तब उसने एक ओरैकल से, एक भविष्यवाणी सुनाने वाले से ये बात उसे पता चली थी कि उसके नसीब में ये है कि वो अपने ही पिता को मारेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो इस तरीके से एक ओरैकल ने उसे ये भविष्यवाणी सुनाई थी। फियर ऑफ द प्रोफेसी ड्रोव हिम फ्रॉम हिज होम इन कोरिंथ एंड ब्रॉट हिम अल्टीमेटली टू थीब्स। और इस प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी से वो इतना ज्यादा डर गया था ओडिपस कि उसने अपना घर, जो कि कोरिंथ में था, वो उसने अपना घर भी छोड़ दिया था और उसके बाद वो थीब्स आ गया था। फिर से जोकास्टा उसे समझाती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में, क्योंकि ये झूठ होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। ओडिपस फाइंड्स आउट फ्रॉम अ मैसेंजर दैट पोलिबस, किंग ऑफ कोरिंथ, ओडिपस फादर, हैज डाइड ऑफ ओल्ड एज। तभी वहां पर एक राजदूत आता है मैसेज लेकर, मैसेंजर आता है, और वो मैसेंजर बताता है ओडिपस को कि कोरिंथ का जो राजा था पोलिबस, जो कि ओडिपस का फादर है, वो ओल्ड एज से मर गया, बुढ़ापे से मर गया है। तो जोकास्टा बहुत खुश होती है और बोलती है कि बस यही तो प्रूफ है कि ये जो भविष्यवाणी है वो झूठी है, कि तुम अपने ही पिता को मारोगे, क्योंकि देखो तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो पिता था पोलिबस, वो तो बुढ़ापे से मरा। स्टिल ओडिपस वरीज अबाउट फुलफिलिंग द प्रोफेसी विद हिज मदर मेरोप, अ कंसर्न जोकास्टा डिसमिसेस। लेकिन अभी भी ओडिपस को ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं वो अपनी माँ से शादी कर लेगा, ये भविष्यवाणी सच ना हो जाए। लेकिन जोकास्टा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओवर हियरिंग द मैसेंजर ऑफर्स वॉट ही बिलीव्स विल बी चीयरिंग न्यूज। और जब मैसेंजर ये बात सुनता है तो फिर वो उन्हें बताता है एक बात, और उसे लगता है कि ये उनके लिए चीयरिंग यानी खुश होने वाली खबर साबित होगी। लेकिन वो खुश होने वाली खबर नहीं थी। वो क्या थी खबर? वो ये थी कि पोलिबस और मेरोप, यानी कि ओडिपस, जिनको अपना माँ बाप अपने माँ बाप समझता था, कोरिंथ के राजा रानी, वो उसके असली पेरेंट्स है ही नहीं। इनफैक्ट द मैसेंजर हिमसेल्फ गेव ओडिपस टू द रॉयल कपल। तो मैसेंजर बताता है कि मैंने ही तुम्हें, जब तुम एक छोटे से बेबी थे, तब मैंने ही तुम्हें उस रॉयल कपल को दिया था। व्हेन अ शेपर्ड ऑफर्ड हिम एन अबैंडन्ड बेबी फ्रॉम द हाउस ऑफ लायस, क्योंकि लायस के घर से, यानी थीब्स के जो राजा रानी है लायस और जोकास्टा, जब उन्हें एक बच्चा हुआ था, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था, और क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो जो बच्चा है वो अपने ही पिता को मारेगा, तो इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। और फिर एक भेड़ बकरी चराने वाला जो है वो उस बच्चे को, उस मैसेंजर को दे आया था, और फिर मैसेंजर उस बच्चे को रॉयल कपल यानी कि मेरोप और पोलिबस को दे आया था। और इस तरीके से ओडिपस जो है वो पोलिबस और मेरोप के पास पहुंच गया था लायस के घर से। ओडिपस बिकम्स डिटरमाइंड टू ट्रैक डाउन द शेपर्ड एंड लर्न द ट्रूथ ऑफ हिज बर्थ। तो अब तो ओडिपस ये ठान लेता है कि वो किसी भी तरीके से उस शेपर्ड को ढूंढ निकालेगा
जिसके बारे में यहाँ ऊपर बात हो रही थी, जिसने उस बेबी को लायस के घर से वहां पहुंचाया था, पोलिबस और मेरोप के पास। वो डिसाइड कर लेता है कि वो उस शेपर्ड को ढूंढेगा। सडनली टेरिफाइड, जोकास्टा बेग्स हिम टू स्टॉप एंड देन रन्स ऑफ टू द पैलेस वाइल्ड विद ग्रीफ। तो इस बार जोकास्टा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज और ज्यादा जानकारी ढूंढने की कोशिश मत करो। और फिर वो अपने महल में भागते हुए वहां से रोती हुई चली जाती है। कॉन्फिडेंट दैट द वर्स्ट ही कैन हियर इज अ टेल ऑफ हिज लोली बर्थ, ओडिपस ईगरली वेट्स अवेट्स द शेपर्ड। तो अब तो वो कॉन्फिडेंट था कि जो कुछ भी होगा उसकी बर्थ के बारे में वो सब कुछ सुन लेगा, इसलिए ओडिपस उसी शेपर्ड का इंतजार करता है। तो पहले तो शेपर्ड कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन बाद में फिर जब ओडिपस उसे डराता धमकाता है कि तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तब वो जो शेपर्ड है वो सच्चाई बताता है कि ओडिपस ही वो बेबी है जिसे उस शेपर्ड ने लायस के घर से लेकर कोरिंथ पहुंचाया था। तो वो बता देता है कि ओडिपस इज एक्चुअली द सन ऑफ लायस एंड जोकास्टा, कि ओडिपस ही वो बेटा है लायस और जोकास्टा का। एंड सो डिस्पाइस हिज प्रिकॉशंस द प्रोफेसी दैट ओडिपस ड्रेडेड हैज एक्चुअली कम ट्रू। और इस तरीके से वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी जो ओडिपस के बारे में की गई थी वो सच साबित होती है। रियलाइजिंग दैट ही हैज किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, ओडिपस इज एगोनाइज्ड बाय हिज फेट। तो जब वो ये रियलाइज करता है कि उसने ही अपने पिता को मारा है और अपनी माँ से शादी कर ली है, ओडिपस अपने ऐसे नसीब से बहुत ज्यादा एगोनाइज हो जाता है। उसके मन में बहुत ज्यादा दुख भर जाता है और उसके बाद वो भी अपने महल में दुख के मारे भागता हुआ जाता है और देखता है कि जो रानी, जो उसकी माँ भी है और उसकी वाइफ भी है, रानी ने, जोकास्टा ने अपने आप को मार लिया था। टॉर्चर्ड फ्रेंजीड, अब तो ओडिपस को एकदम पागलपन सवार होता है, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड महसूस करता है और वो जोकास्टा के गाउन से पिंस निकालकर अपनी आंखों को बाहर निकाल देता है, अंधा हो जाता है ताकि वो चीजें ना देख पाए जो भी उसने मिजरी क्रिएट की है, दुख दर्द उसने जो क्रिएट किया है। अब उसे कुछ भी देखने का मन नहीं था इसलिए वो अपनी आंखों को फोड़ लेता है और अंधा हो जाता है। और उसके बाद फिर ओडिपस अपने साले क्रियोन को बेग करता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन जैसे प्ले कंक्लूड होता है हम देखते हैं कि क्रियोन लीडर बन जाता है और जो ओडिपस है वो बस इंतजार करता है ओरेकल का, भविष्यवाणी करने वाले का, जो अब उसे बताएगा कि उसे थीब्स में रहना भी है या अब उसे थीब्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहीं पर जो ये थीबन प्लेस का फर्स्ट पार्ट है, ओडिपस रेक्स, ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।